फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम गाइस, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2019-20 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश क्लास 10 टाइम 3 आवर्स मैक्सिमम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल का है ये पीडी। और सबसे पहले यार वीडियो पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करके 480 पिक्सल्स कर लें फॉर बेटर क्लियरिटी, है ना। फिर आप कमेंट करते हैं कि दिख नहीं रहा क्लियर से, वैसे देख लीजिए सेक्शन ए में दिया गया है, मैं यार पढ़ूंगा नहीं, ये देख लीजिए आप, है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी नहीं कह रहा हूँ, पसंद आने पर करें और लाइक भी कर देना यार, इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाता हूँ क्या यार, बाकी भी व्यूज के चक्कर में तो मैं हूँ नहीं, है ना, ताकि आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आप सॉल्व करके अच्छे मार्क्स गेन कर सके। क्योंकि बिकॉज प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है यार 2018 का था, 2019 पे जैसे ही हुआ है क्वार्टरली, तो सब कुछ 95% सब कुछ सेम था, 90% अप्रॉक्स, है ना। तो यार वीडियो को ये पेपर का यार सोल्यूशन करके जाएं, बाकी मैं आंसर तो बताऊंगा सेक्शन सी में जो बताने लायक है, बाकी यार आप ये देख लेना, है ना। इधर ये देख लीजिए, पैसे बता रहा हूँ, नोट्स समरी इसमें बनाना है, इसमें यू आर नीड टू रिजाइडिंग इन 404 राजीव गांधी नगर भोपाल, राइट लेटर टू अ फ्रेंड कलश इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, बड़ी बहन के लिए एल्डर ब्रदर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आप बनाकर लिख दें, अगर याद नहीं है तो याद है तो कोई बात नहीं, बनाकर भी लिख सकते हैं उसको। यू आर अजय कुमार स्टूडेंट इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल सीहोर, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल क्रिस्टी हैं टू गेट 3 डेज के लिए छुट्टी के लिए बोल रहा है, सिक लीव है ना, सिक लीव है, सॉरी सिक की थी, हाँ 80 वर्ड्स में लिखना है यार प्रिवेंटिंग मलेरिया के बारे में, इन वर्ड्स को यूज करके जोड़कर और देख लेना, साइंस नंबर डेली लाइफ है। सेक्शन सी देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट forms of the words given in the brackets, it was dark so I took, ho jayega isme yaar dekh lena, early to wet and early to rise makes a man healthy wealthy and wise, she is playing present continuous ka yaar dekh lena, he was tired so he went to home early, she usually speaks हो जाएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा आप। और यार देख लीजिए बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, मे आई कम इन सर, आज्ञा लेने के लिए मे का प्रयोग होता है और कोई वचन वाली बात होती है जिसमें कैन यानी है ना ताकत वाली वर्क वाली, तो उसमें कैन का उपयोग किया जाता है। बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें मानना चाहिए, शुड में कंफर्म नहीं होता है, बिल्कुल ये नहीं है कि आपको मानना ही है, मस्ट में चाहिए ही चाहिए, ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज सिक, है ना। मिस्टर दास इज रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, यार मिस्टर दास तो है बहुत अमीर लेकिन खुश नहीं है, है ना। ही ईट्स एन एप्पल, इसमें ए ही आई वोवल शुरू हो रहा इसलिए एन लगे, डू आई रिटेन इन फेवर, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, माय नेट राम इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, चेंज ऑफ इंटरोगेटिव यू कैन सॉल्व दिस सम, तो यार कैन यू सॉल्व दिस सम, मेक अ क्वेश्चन यूजिंग हु, हु इज टीचर और हु इज मिस्टर कुमार, हु इज मिस्टर कुमार, ये सब हो जाएगा। देख लीजिए यार आई बी एनी 5 करना है, इसमें 6 दिए हैं, द मिल्क इज हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग सो दैट एंड री राइट, कंबाइन करके लिखना है, द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, सी इज एंजॉयिंग द मूवी, चेंज इन टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, she is enjoying the movie, present continuous में है, indefinite में लाना है, तो she enjoys the movie, add question, he is very good in dance, तो यार who is very good in dance, है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि देख लेना यार, इंटू इंग्लिश मोहन बाजार जा रहा, मोहन इज गोइंग टू होम, वर्ष और इट इज रेनिंग, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, वर्ड्स
was flying. Words was flying in the sky. विद्यार्थी ने फुटबॉल खेली. विद्यार्थी क्या होता है यार? स्टूडेंट. स्टूडेंट प्लेड प्लेड फुटबॉल. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश. तुम कहाँ रहते? वेयर डू यू लिव? सेक्शन डी के देख लेना. द मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्वाइव इज वन मार्क. कंटिन्यू टू लव लाइफ. सॉरी. द पॉजिटिव वर्ड टू मॉर्टल इज इमोर्टल. द फायर हैड डिस्ट्रॉयड द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी. डी आर देख लेना. हाउ डिड द बॉय सर्वाइव टू मार्क. ये देख लेना. पैसे है. सेक्शन डी है. आपके टेस्ट बुक से लिया गया है. नेक्स्ट ओपन कर रहा हूँ. द मीनिंग द वर्ड sacrifice is seized, offering. Bhagat Singh is known as Shahid-e Azam. The president of National Congress was Pandit Jawaharlal Nehru. What did Mahatma Gandhi send tribute? Each coin. Isme two marks yaar. Question 12. Why did Kalam go to Delhi? Delhi kyon gaya tha? Or name the three patriots who sacrificed their lives for the freedom of motherland someday at Lahore. Describe the qualities of Maharaja Pratap. Or what टाइटल डेट प्रताप सिंह गिव टू भौमा शाह. यार मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते. बुलकलेट मीन्स इस्लाम स्मॉल रिवर्स. हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो. व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन? वर्ड्स एंड सनशाइन. व्हाट इज लाइक स्टैंड फॉर द पोएम? हु इज ग्रेटर देन किंग? सिक्स मार्क्स का यार. कैसे? ओ अटेम्प्ट एनी टू. धीरे धीरे गए आपको दो करने हैं. वेयर डू द Do the windows open? What do you mean by in my house in the poem? How can anger be conquered? Attempt 3 questions. Char diye hain, 3 karne hain. Why was the boy happy all the day? In what place did Milady occur? Why did the card carrying? What the problem of the soldier? The problem of the soldier was because he cannot speak. क्या नहीं बोल पाता था यार? कौन सी लैंग्वेज है? जर्मन है क्या? है ऐसा कुछ था. देख लेना. स्पेनिश. हाँ स्पेनिश. अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस. तो इच क्वेश्चंस आर थ्री मार्क्स. दो करने हैं, तीन है. व्हाट आर द थिंग्स दैट सी मूविंग फास्टर देन फेरिस एंड विच व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटीट्यूड? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? वीडियो फाइल लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज डाउनलोड एंड सी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.